आज आप बच गए दादा, वरना पुलिस तो आपको ले ही जाती। मैं तेरी वजह से बचा हूँ, अगर तूने आई को नहीं बुलाया होता तो। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। I'm sorry यार कल्पी, वो क्या है ना, अगर कोई तुझे आई या बाबा को उल्टा सीधा बोलता है तो मेरा खून खौलने लगता है। मेरी वजह से स्विमिंग कॉम्पिटिशन की जीत की खुशी का मजा भी खिरखिरा हो गया ना कल्पी। कोई बात नहीं दादा, ठीक है। I'm sorry यार, वो तेरा अवार्ड किधर है? सुनना बेटा, विट्ठल को कहना कि आज मुझे घर पे आने को देर हुई, वो बाकी के साथ पार्टी में जाना है। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन बाकी ने जिद पकड़ ली। अपना तो चाय भजे का प्रोग्राम गया गटर में। कोई नहीं दादा, फिर कभी। कल्पी यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तू फिर उदास हो गई और अंधेरे अंदर बहुत गुस्सा भी है ना। नहीं दादा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, और उदास होकर भी क्या होगा, एक आप ही तो हो जिसे मेरे खुशी की चिंता है और जिसे चिंता होनी चाहिए उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसको फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे धर्मेंद्र काका, आप? हाँ, वो मम्मी जी आज पार्लर गई हुई थी और अचानक वहाँ इमरजेंसी हो गई, तो कमला भाई वहीं गई हुई है, इसलिए आज वो थोड़ा देर से आएंगी। मतलब जो कपूर्स के यहाँ पार्टी होने वाली थी वो कैंसिल हो गई होगी ना? नहीं नहीं, पार्टी तो है और सब लोग तैयार भी हो रहे हैं पार्टी में जाने के लिए, लेकिन कमला भाई मम्मी जी के साथ रहेंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। ऐसे अजीब लोग है ना दादा, वहां दादी इमरजेंसी में है और इन लोग को पार्टी सूझ रही है। वजह चाहे जो भी हो, आई का लेट आना तो पक्का है। अरे छोड़ ना कल्पी, मैंने आपसे कहा था ना दादा कि आई नहीं आएगी, आई के पास मेरे लिए टाइम ही कहां पर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अरे ये तो बाबा की आवाज लगती है, चल देख के आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना। तुम सोच रहे हो कि बाबा ने मिठाई क्यों खिलाई? नौकरी लग गई है बाबा की। क्या सच बाबा? बताइए हो। एक बिल्डर क्या काम मिला है मुझे, साइट क्या बोला था, साइट सुपरवाइजर की। सामने से फोन आया उनका, उधर का साहब मिला और बोला किसी ने उनको मेरे बारे में बताया। मैं पहले मिल में काम करता था, यूनियन लीडर था, सब पता है। और पता है मेरी ईमानदारी की वजह से मुझे नौकरी मिली है। मुझसे पहले तुम्हें नौकरी मिल गई बाबा, तू बाप मजा आ गया। लगी क्या तो पसली टूट गई। पूछ रहे हैं विठल जी, सेठ पगार क्या देगा? 507 रुपए और 50 पैसा। वो
लोग मत बताना पापा, ताई को क्या मतलब तुम्हें कितनी पगार मिलेगी। वैसे भी ये समझती हमारे घर के मर्द कुछ करते नहीं है, ऐसे ही है। दादा पापा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, पर आज परसों बाद मैंने आपके चेहरे पर वो पुरानी हंसी देखी। ये सब कमला का प्यार, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसके त्याग का नतीजा है कल्पी। आज भले ही मेरे चेहरे पे पुरानी हंसी लौट आई है, लेकिन इतने साल में उसने कभी कभी मुझे रोने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। मेरी ईमानदारी सुरक्षित रही क्योंकि कमला ने घर की जिम्मेदारी संभाली। मेरी इज्जत बरकरार रही क्योंकि कमला घर से निकलकर न जाने क्या क्या सहा और मुझे कभी पता नहीं चलने दी। मुस्कुराती रही कमला ताकि मेरी हंसी खोए ना। मेरी उम्मीद खोए ना। चलो बाबा ऊपर चलते हैं, आज बहुत बड़ा दिन है, देवा अपनी कृपा बनाए रखे। तुम लोग चलो, मैं ये सामान रख कर आता हूं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं। आपका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है देवा। थैंक यू, थैंक यू। बाबा आप चाय पियोगे? चाय रहने दे। चाय ये क्या ले बाबा, क्या है इसमें? ये कल्पी, इधर आओ। ये मेरी राजकुमारी का, बैठो बैठो, तोहफा है। ये क्या है बाबा? अरे तुम वो तैरने की प्रतियोगिता में पहले नंबर पे आई हो तो तोहफा तो बनता है। पर इसमें है क्या? देखो लैपटॉप। पर ये क्या ले आए आप? क्यों, गलत लेके आया क्या मैं? अरे मैं वो दुकान वाले को बोला, समझाया भी कि मेरी बेटी कॉलेज जाती है, पढ़ती है, तो वैसा लैपटॉप देना। नहीं बाबा ये बिल्कुल ठीक है, पर ये बहुत महंगा होगा। मस्त, ये तो सॉलिड है बाबा, कम से कम नहीं तो 20-25 हजार का तो होगा ना। हाँ दादा, क्या हुआ? अरे एडवांस मिला है मुझे, उससे लेकर आया हूं मैं। और पता है मेरी महीने की तनख्वाह कितनी है? 25,000 रुपए। और एक महीने का पगार साहब ने एडवांस भी दिया है। तो आप उन सारे पैसों का ये लैपटॉप ले आए? अरे पापा मुझे सेकंड हैंड भी चल जाता, उसमें मेरा काम हो जाता आराम से। कल्पी, पहली बार बेटा चॉकलेट से बढ़कर कुछ लाया हो तेरे लिए। देवा की कृपा से इतनी औकात तो हुई मेरी। और किसने कहा पूरे पैसे खर्च कर दिए? ये देख, ये रख, पूरे 7,000 रुपए। बाबा वैसे भी आप लोगों ने मुझ पर कितना पैसा खर्च किया है, मुझे बोर्डिंग में भी रखा, अब पैसे अगर बचेंगे तो काम ही आएंगे ना। अब तो ये काम नहीं आए,
रेल में खरीदा है मैंने। अरे वो शिंदे है ना अपना, जानता है ना तू? तो शिंदे जिस दुकान में काम करता है उसी की दुकान से लिया मैंने। सेल लगी हुई थी, उसने मुझे डिस्काउंट भी दिलवाया। अभी ये 22,000 का लैपटॉप था, मुझे 18,000 में दिया, तो मैंने ले लिया अपनी बेटी के लिए। सही किया ना? और देखो अगले महीने भी तनख्वाह मिलेगी। वो दस्तखत करके आया हूं मैं नौकरी के कागज पर। और मैं लेकर आया हूं ना तो तुम लोग को पसंद नहीं आ रहा है। यही अगर तुम्हारी आई लेकर आती तो सब खुश हो जाते। मैं लाया तो ठीक है, ठीक है। पापा आप कुछ भी सोच रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये लैपटॉप दिया। पर इस लैपटॉप से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि आपको नौकरी मिल गई, वो भी बिना फॉर्म भरे, जो मैं सुबह शाम भरता ही रहता हूँ। तो बस, तो फिर अब इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बिल्कुल। वैसे भी आई आएगी तो आपको डांट तो पड़नी है। क्यों? आपने इतना खर्चा तो कर दिया। तो मिस्टर जाधव, आपको नौकरी तो मिल गई, जश्न वशन होगा कि नहीं? हाँ दादा, मैं अभी स्पेशल खाना बना रही हूँ। क्या यार, आज भी घर का खाना? बाबा आज तो बाहर का बनता है ना। दादा आप भी ना। सही कह रहा है पक्या, आज बाहर खाने चलते हैं। बस कह दिया। बस क्या रही है, चल जा जल्दी तैयार हो, और जैसे ही आई आती है फिर चलते हैं। आई नहीं आ रही। क्यों? बाकी की दादी के साथ बाहर गई है, काम आ गया, ड्राइवर आया था बताने। इनका हमेशा यही नाटक है। मैं तो आज अपनी नीली वाली शर्ट ही पहन के जाऊंगा। कौन सी? नीली शर्ट। चलो चलो तैयार हो। हाय, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और वो हीरो कहाँ है? अरे प्रेम, तेरा भाई, रिश्ता लाई हूँ मैं। मेरे लिए? अरे नहीं नहीं, प्रेम के लिए। मेरा बेटा कहाँ है? बेटा होता तो डबल रिश्ता कर देती। यू नो प्रेम इज जस्ट राइट फॉर माय डॉटर। तू ही बोलना अपनी मम्मी पापा से कि बात पक्की कर दे। मिसेस हरजानी, हेलो, हाउ आर यू डार्लिंग? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? आप अकेली आई हैं? नॉट फेयर। वेयर इज योर रिच हस्बैंड? As usual, पैसा कमाने में बिजी हैं वो। टाइम ही कहाँ है उनके पास? साहिल कहाँ है? आज तो मैं साहिल को हग भी करूंगी और किस भी। You're incorrigible. और मेरा हीरो कहाँ है? प्रेम? I'm dying to meet him. वो अभी आया नहीं। तो तू कह रही थी तू उसके साथ पार्टी में आएगी, हाथ में हाथ डालकर। हाँ कहा तो था, लेकिन एक्चुअली हमारे कुछ अमेरिका के क्लाइंट्स हैं, उनके साथ कुछ लास्ट मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, इसलिए anyway, रस्ते में है, बस पहुंचता ही होगा। यू, जो भी डैमेजेस हुए ना उसका बिल भेज देना। What's wrong with you? Huh? अब इसका बिल मुझे भेज देना। प्रेम, प्रेम चोपड़ा। हाँ देखा गलती, डर के अंदर कैसे भागा। अगली बार मिलेगा ना मारूंगा एक कान के नीचे, सब सुनने लगेगा सही से। क्या तू भी फालतू, तेरी आई होती तो कान के नीचे रख के देती। अरे बाबा आई नहीं है तभी तो ये सब किया।
Yes, my son has come. Come. Thank you. Excuse me. Thank you. Thank you. Excuse me. Thank you. Very good. You look good. Thank you. Come. Hi, Priya. Congratulations. Thanks, you're looking Ale. So Thank nice. You. Thank you. By the way, यहाँ पे सब आपकी वेट कर रहे हैं शादी के लिए भी और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी. शाम खत्म होने दे पुकी. मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे ये लोग. बस एक बार मेरा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए मार्केट में, प्रेम कपूर इस सिटी का सबसे बड़ा नाम होने वाला है. I'm sure. There he is, my dad. Looking pretty. Star of the evening. Thank you, darling. Come on. Come. अच्छा बाबा मैं क्या कह रही हूँ, हम कहीं और जाते ना कोई उड़ीपी में, इतनी महंगी जगह जाना जरूरी है क्या? मैंने सुना है खाना तो वही मिलता है लेकिन बिल आता है हजारों का. अरे तो पैसे हैं और देखते हैं ना कितना महंगा है. आ जाओ आ जाओ. हाय एवरीवन, सबसे पहले गाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ये हमारे लिए बहुत नहीं एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है. मेरा बेटा प्रेम आप सबके सामने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा है. आई जस्ट होप कि जो प्यार और इज्जत हमें आप सबसे मिली है वो मेरा बेटा प्रेम भी पा सके. मैं अपनी जबान से कहूंगी तो लगेगा माँ बेटे की तारीफ कर रही है, लेकिन सच आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द आप सबकी जुबान पर भी यही बात होगी. फ्रेंड्स, ये हमारी कंपनी का फ्यूचर है. आप लोग सब देखना, ये बिजनेस वर्ल्ड में इतनी तरक्की करेगा इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा. भैया आई होप मेरी सिस्टर मेरे लिए भी उतनी ही लकी साबित हो. प्लीज डू द ऑनर. Yes, sir. What would you like to order? आपको क्या चाहिए? कल्पी, तो ऑर्डर करना है इंग्लिश में. हमें आप दो मिनट दीजिएगा. ओके. दादा, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर काम करो. और वैसे भी 4,000 तक तो बिल आ ही जाएगा और ऊपर से सर्विस टैक्स. और इतने बड़े होटलों में तो सर्विस टैक्स बहुत ज्यादा होता है. क्या क्या क्या? खाने पे टैक्स लगेगा? कल्पी यार प्लीज, रायता तो ऑर्डर कर लेना प्लीज. कल्पी, इसका रायता बुला लेते नहीं तो यार रायता फैला देगा. Seriously, really? I'll just call you back. Hi, Kalpi. What a surprise! आप लोग भी यहाँ पे? अरे, तू ऑर्डर क्यों कर रही है? अब विठल अंकल, आप लोग आए हैं तो फिर प्लीज पार्टी में आइए ना, मेरी खुद की पार्टी है. अरे नहीं बेटा, यही ठीक है, बढ़िया चल रहा है. क्यों? कल्पी, बोलना अंकल को प्लीज, आप लोग मेरे ही गेस्ट हैं. बाकी हम लोग यहाँ पे छोटा सा फैमिली डिनर करने आए हैं.
और आज बाबा की जॉब भी लगी है। और ये प्रतियोगिता में फर्स्ट आई है तो हमने सोचा बाहर ही खाना खाते। कंग्रेचुलेशंस। यस मैम, क्या ऑर्डर नोट करूं? अरे पक्या, तूने यहाँ का बटर चिकन ट्राई किया? इट्स रियली नाइस। हमारे यहाँ ये सब नहीं खाते बेटा। हाँ, एक सब्जी, दाल, चार रोटियां और हाँ रायता भी। अब मैम, आई थिंक ये आप तीनों के लिए कम पड़ जाएगा। आई थिंक यू शुड। अरे यार, हम लोग वैसे भी डाइटिंग पे हैं। आप जाओ, जाओ। पनीर, दाल और चार रोटियां। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं वापस पार्टी जाती हूँ, इससे पहले कि नीतू की आवाज यहाँ तक पहुंचे। कल्पी बाय। Excuse me. Yes.